मेन टॉपिक क्या है? इक्वेशन। इक्वेशन में काम हम कैसे करते हैं। जनरली इक्वेशन का यूज क्या के लिए किया जाता है? तो कोई भी अगर मैथमेटिकल हमें इक्वेशन बनाना हो, मैथमेटिकल क्वेश्चन पेपर क्रिएट करना हो, उसके लिए हम इक्वेशन का यूज करते हैं। इक्वेशन में आप जब जाएंगे तो देखेंगे बहुत सारा प्री डिफाइंड पहले से बना बनाया यहाँ इक्वेशन आपका लगा हुआ है। अगर इसमें से हमारे रिक्वायरमेंट का, जरूरत का कोई लेना है तो हम डायरेक्ट अगर इंसर्ट करते हैं, जैसे हमें यहाँ पे ये लेना है a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, क्या होता है एरिया ऑफ सर्किल, वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ दिया हुआ है, क्लिक कर देंगे, देखिए हमारा यहाँ पे आ गया। वैसे ही हम इसमें से कोई भी अगर हम लेना चाहते हैं तो इंसर्ट में चलते हैं, इक्वेशन पे आते हैं, कोई भी हमें अगर इसमें से लेना है, हमें यहाँ से ये लेना है, क्लिक कर दिए, आ गया। लेकिन ये तो बना बनाया हुआ, हमें खुद से अगर कुछ बनाना हो तो हम कैसे करेंगे? तो चलिए एकदम पहले सिंपल को देखते हैं कि सिंपल तरीके से कैसे करेंगे। हम यहां से थोड़ा सा फॉन्ट के साइज को बढ़ा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है कि आपको लिखना है 1/2 + 1/3, यानी 1/2। तो अब कीबोर्ड में अगर हम ढूंढेंगे कि 1/2 तो बटा का सिंबल हमको नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। हम आते हैं इंसर्ट पे, यहां आते हैं इक्वेशन में। अब हमको इसमें से नहीं लेना है, हमें क्या करना है, यहाँ इंसर्ट न्यू इक्वेशन, यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ इक्वेशन का एक बॉक्स दे देगा और साथ ही साथ एक टैब दे देगा इक्वेशन का। अब हमें यहाँ क्या करना है, तो हमें फ्रैक्शन का यूज करना है। यहाँ देखिए दे रहा है ना फ्रैक्शन, तो हमें फ्रैक्शन करना है। तो यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ अलग अलग तरह का हमारा फ्रैक्शन को शो कर रहा है, हमको किस तरह का फ्रैक्शन लेना है। हमें लेना है ये वाला, यहाँ से क्लिक कर दिए। अब हमको 1/3 करना है, ऊपर 1, फिर या तो आप डाउन एरो से नीचे जाइए या माउस से यहाँ पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे 3 कर दिए। फिर हम इस इक्वेशन बॉक्स से बाहर क्लिक करके स्पेस प्लस फिर स्पेस, फिर हमको एक और लेना होगा इक्वेशन का। अब यहाँ पे हमारा फिर से इंसर्ट में जाना होगा, फिर इक्वेशन और फिर यहाँ से इंसर्ट न्यू इक्वेशन, फिर यहाँ से फ्रैक्शन में आकर के फ्रैक्शन ले लिए और यहाँ से कर दिए हम 2/5, फिर बाहर क्लिक करके स्पेस इज इक्वल टू डॉट 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 कर देते हैं। आई बात समझ में, कैसे किए हैं। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन है कि हमको रूट में लिखना है, यहां पे क्वेश्चन यह है फाइंड द वैल्यू ऑफ √5। अब रूट कहां से लेंगे, कीबोर्ड में क्या रूट का सिंबल मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, अभी देखिए आपका इक्वेशन का टैब खुला हुआ है, ओपन है, क्योंकि हम इक्वेशन के अंदर ही लिख रहे हैं, इक्वेशन बॉक्स के अंदर लिख रहे हैं। अब यहां से हम आ गए इक्वेशन में और यहां से देखिए आपका रूट यहां दिखा रहा है, आ गए। अब हमें कैसा रूट लेना है, रूट के ऊपर भी कुछ लिखना है या ये 2√ करके लिखना है, 3√ करके लिखना है या केवल रूट लेना है, तो हम केवल यहाँ से रूट ले लिए और यहाँ से अंदर लिख दिए 5, बाहर क्लिक करके ओके। देखिए तो आसानी से बन गया। अगर इसी तरह से अगर हम कहें कि हमें फ्रैक्शन में रूट डालना है, जैसे 1/2 को रूट में लिखना है, यहाँ पे 1/3 जैसे दिया हुआ है ना, तो इसी को रूट में लिखना है, तब हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंसर्ट से जाकर के इक्वेशन बॉक्स ले लेंगे। अब हमको क्या करना है इसके अंदर, तो पहले फ्रैक्शन लेना है, फ्रैक्शन ले लिए, यहाँ पे हम जो भी है 1 और यहाँ से ये कर लिए 3 और दोनों को हम सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से आ गए और इसको कर लिए रूट के अंदर, आ गया। और इसी तरह से अगर केवल हमें ऊपर या केवल हर, यानी अंश में या हर में, या अंश में अलग और हर में अलग अगर हमें रूट देना हो तो हम कैसे देंगे, तो हम क्या करेंगे, फिर से हम इंसर्ट में आते हैं, फ्रैक्शन में आते हैं। फ्रैक्शन लेने का एक और तरीका, बार बार जो हम जा रहे हैं यहां से, यहां पे क्लिक कर रहे हैं इंसर्ट फ्रैक्शन पे, आप डायरेक्ट यहां फ्रैक्शन पे क्लिक कर दीजिएगा तो भी फ्रैक्शन का बॉक्स आपका आ जाएगा। अब हमें यहां क्या करना है, पहले यहां पे ले लेना है फ्रैक्शन। अब हमको ऊपर में क्या करना है कि कुछ भी लिखना है, 3√5 या 5√32,
तो हम कैसे लेंगे, यहां से आ गए और ये वाला ले लेंगे यहाँ पे। अब हमको ऊपर यहाँ पे लिखना है 5, तो 5 यहाँ लिखना है, 32 तो 32। नीचे अगर हमें रूट में 2 मान लेना है, जैसे √5 + √6, तो अगर हमको केवल रूट लेना है तो तुम बता चुके हैं कि हम यहां से आएंगे और यहां से रूट ले लिए तो हमारा रूट में आ गया। लेकिन अगर हमको यहाँ पे √5 + √6 करना है, ये देखो रूट बढ़ते जा रहा है, हमको तो ऐसे करना नहीं है, तो हमको क्या करेंगे हम कि यहां पे टाइप कर लेंगे पहले 5 + 6 हो गया। अब हम केवल 6 को सिलेक्ट करेंगे, तो 6 को सिलेक्ट करने का सबसे आसान तरीका, कर्सर को 6 के आगे रखिए या पहले रखिए और शिफ्ट के साथ एरो से जिधर बढ़ना है, लेफ्ट बढ़ना है तो लेफ्ट एरो क्लिक कर लीजिए। केवल देखिए 6 सिलेक्ट हो गया। अब हम यहां से आ गए और इसको ले लिया रूट, फिर वैसे ही 5 के पास हम कर्सर लेके आ गए और शिफ्ट के साथ 5 को सिलेक्ट कर लिए, फिर यहां से हम कर लिए रूट। आप देखे होंगे हर का परिमेयकरण मिला होगा, इस तरह का क्वेश्चन होता है ना, तो यहां से हम कर सकते हैं आसानी से, कर सकते हैं। अब अगला देखते हैं हमारा क्या है टॉपिक। जैसे हमें क्या करना है कि cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 - tan थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 - cot थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस cos थीटा, ये लिखना है। अब यहां से अगर हम साइन तो दे देते हैं, मान लो हमारा साइन यहाँ पे हम लिख दिए, लेकिन अब थीटा कहाँ से लाएंगे हम, तो हम कहाँ से इक्वेशन सिंबल में आपको कहाँ से मिलेगा, इक्वेशन टैब में ही। यहाँ पे देखिए जितने भी मैथमेटिकल सिंबल होते हैं वो सारा यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ देखिए अल्फा, यहाँ देखिए अल्फा दिया हुआ है आपका, बीटा है, गामा है, डेल्टा है। अगर नहीं याद है नाम तो कर्सर को यहाँ लाइएगा और रखिएगा कुछ समय, यहाँ लिखेगा उसका नाम, लिख रहा है अल्फा। वैसे ही अगर हमको थीटा यहाँ चाहिए तो देखिए यहाँ पे थीटा है, लिख रहा है। अब यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे, देखो हमारा साइन थीटा। लेकिन हमें तो लिखना था कैसे, आपको लिखना था cos थीटा बटा 1 - tan थीटा। तो हमको क्या करना है, पहले यहां से क्या लेना होगा जी, फ्रैक्शन, क्योंकि हमको पहले फ्रैक्शन बनाना है, फ्रैक्शन ले लिए। ऊपर लिखना है cos थीटा, तो हम यहां से भी आके ले सकते हैं, यहां पे देखिए साइन cos tan cos x sec cot दिया हुआ है, तो हम यहां से ले लिए cos और यहां पे हमको करना है थीटा, यहां से हम थीटा पे क्लिक कर लिए cos थीटा और डिवाइडेड बाई क्या है, तो 1 - tan थीटा। तो पहले टाइप कर लो 1 - tan को छोटा में लिखो tan और थीटा करना है, तो यहां से हम कर दिए थीटा, फिर बाहर क्लिक, फिर हमको क्या करना है प्लस साइन थीटा बटा 1 - tan थीटा, तो यहां से हम कर दिए प्लस साइन थीटा। फिर हम चले गए इंसर्ट में इक्वेशन बॉक्स, यहां से ले लिए हम साइन, सॉरी पहले हमको क्या लेना है फ्रैक्शन, पहले फ्रैक्शन लेंगे ना। अब हम ऊपर लिखना है साइन, ऊपर वाले को सेलेक्ट कर लेंगे और यहां से ले लिए हम क्या साइन। अब यहां पे लेना है थीटा, यहां से थीटा, फिर नीचे हमको वैसे ही क्या करना है जी, तो 1 - cot थीटा, 1 - cot और यहां से थीटा। अब बाहर में आकर के हमको इक्वल टू करना है, इक्वल टू क्या लाना है जी, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, सेम वही काम करेंगे क्या, इंसर्ट में गए यहाँ इक्वेशन पे ले लिए और यहाँ से साइन थीटा, यहाँ से थीटा कर लीजिए प्लस क्या है कॉस, फिर यहाँ से आके हम ले लिए कॉस और फिर यहाँ पे थीटा ले लेंगे, समझ में आया। तो इस तरह से अगर इस तरह का कोई भी इक्वेशन क्रिएट करना हो तो हो जाएगा। अब रहा कि आपको
इस तरह का दे दे कि कॉस स्क्वायर थीटा बटा में वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, फिर कैसे करेंगे हम? तो हम पहले तो यहां से ले लेंगे, इक्वेशन ले लिए, यहां से फ्रैक्शन ले लिए ना, यहां पे कॉस थीटा है तो यहां से कॉस ले लिए, यहां से थीटा कर लिए, या इस बार थीटा ना हटा करके क्या कर लेते हैं, अल्फा कर लेते हैं, कॉस अल्फा। अब भाई क्या करना है जी, तो वन माइनस टेन अल्फा, वन माइनस टेन अल्फा, लेकिन अब हमको कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा लेना है। तो यहाँ अगर हम कर्सर रख करके होम में आ करके सुपर स्क्रिप्ट का यूज करेंगे तो ये देखिए हमारा काम ही नहीं करेगा। ये देखिए हमारा हाईलाइट है नहीं है, हम यहां से नहीं कर पाएंगे इसके लिए। इसके लिए फिर हमको इक्वेशन टैब खुला हुआ है, यहां पे आएंगे और ध्यान रखिएगा कॉस को सेलेक्ट कर लेना है, पूरे को नहीं केवल कॉस को। हम यहां से आकर के ले लेंगे इसमें से ये वाला, दे रहा है, क्लिक कर दिए। अब ऊपर एक और दे दिया, यहां पे स्क्वायर कर दिए। वैसे ही नीचे टेन को सेलेक्ट करना है तो टेन के बाद कर्सर रख दीजिए, शिफ्ट के साथ टेन को सेलेक्ट कर लीजिए और फिर यहां से आकर के हो गया। और यहाँ पे हम स्क्वायर करना है, स्क्वायर क्यूब करना है, क्यूब कुछ भी करना है। अब इस सब को अगर हमें ब्रैकेट में रखना है तो ब्रैकेट कहाँ से आएगा, यहाँ पे देखिए आपका किस तरह का ब्रैकेट लेना है, क्योंकि हम अगर कीबोर्ड से लें तो कीबोर्ड से इतना बड़ा ब्रैकेट नहीं मिलेगा, तो हमको जैसे इसको रखना है मझला ब्रैकेट में, यहाँ मझला ब्रैकेट ले लिए। अब यहाँ देखिए, समझ में आया कैसे बन रहा है, हो जाएगा? तो आपका प्रोजेक्ट का लिए पेपर मिलेगा, इस पेपर से आपको बनाना है। हो सकता है आपका थीटा के जगह अल्फा मिल जाए, बीटा मिल जाए, ए बी सी डी हो सकता है ना, स्क्वायर के जगह क्यूब हो गया, ब्रैकेट दोनों तीनों ब्रैकेट हो, यानी कि आपका बॉड मास फॉर्मूला वाला क्वेश्चन हो, वो सब हम कैसे क्रिएट करेंगे, तो आसानी से हम इक्वेशन से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एक और आपका, जैसे हमें डबल बटा में लिखना है, जैसे वन बाई रूट टू अब बाई वन बाई रूट थ्री, वो कैसे लिखेंगे? यानी दो फ्रैक्शन हो गया, दो नहीं उसमें तीन फ्रैक्शन हो गया, एक ऊपर एक नीचे एक मेन फ्रैक्शन, तीन फ्रैक्शन हो गया, तो कैसे हम करेंगे? इंसर्ट में आ गए, इक्वेशन ले लिए, यहां से हम ले लिए क्या फ्रैक्शन, और ऊपर वाले को सिलेक्ट कर लिए और यहां से हम ले लिए फिर से फ्रैक्शन, ऊपर फ्रैक्शन आ गया, फिर नीचे वाले को सिलेक्ट कर लिए फिर ले लिए फ्रैक्शन, हो गया। अब हमको यहां वन करना है, ऊपर वन, नीचे रूट टू करना है, नीचे वाले को सिलेक्ट कर लिए और यहां से पहले ले लिए रूट और यहां से कर लिए हम टू, फिर वैसे ही नीचे वन या थ्री, यहाँ पे रूट फाइव करना है, सिलेक्ट कर लिए और यहां से रूट कर लिए और यहां से हम फाइव कर लिए। देखिए आपका क्या, आपका यहां फ्रैक्शन में दिया हुआ तो है, इनशॉर्ट में आ गए, इक्वेशन ले लिए, यहां से देखिए आपका फ्रैक्शन में जब आइएगा यहां पे पूर्णांक वाला भी आपका, ये देखिए मैट्रिक्स वाला जो आपको इंटर में पढ़ना है, है इस तरह का, यहां से ले सकते हैं, है ना, लॉग वाला भी होता है इसमें आपका, यहां से देखिए लॉग वाला आपका दिया हुआ है, हमें लेना है पूर्णांक में यहां पे, है ना, लेकर के आसानी से कर सकते हैं। अगर हमें वेन आरेख बनाना हो, वेन आरेख क्या मतलब, क्या जो वृत्त के आरेख बनाना हो, जैसे ए यूनियन बी या ए इंटरसेक्शन बी, ये दिखाना हो, तो उसके लिए हम सिंपल क्या करते हैं, इंसर्ट में आएंगे, शेप्स लेंगे और यहाँ से सर्किल ले लिए, अब यहाँ से हम एक ले लिए, हो गया ना। फिर हम एक और लेना है, इसी को हम कंट्रोल के साथ कॉपी कर लेते हैं, आ गया। अब हमको यहाँ ये दिखाना है, ऐसे ले लिए, अब हमारा यहाँ पे शेप्स फिल से आकर के नो फिल कर लेंगे तो हमारा दोनों दिखने लगा,
इसको भी कर लीजिए आप नो फिल। अब हमको यहाँ पे लेटर लिखना है तो टेक्स्ट बॉक्स लेकर के जहां लिखना है वहां घर करके लेटर लिख देंगे, आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हमको लिखना है क्या 5, 6 और 7, तो यहाँ पे हम क्या कर लिए, बाहर क्लिक कर लिए, इंसर्ट में गए, ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, यहां से आ गए टेक्स्ट बॉक्स, यहां से हम ले लिए टेक्स्ट बॉक्स। अब यहां से हम लिख दिए 5 इंटर 6 इंटर 7, हो गया। अब इसको बड़ा कर दीजिए थोड़ा सा नीचे की तरफ, और बड़ा हो रहा है, और बड़ा कर दीजिए। अब इसके हम स्पेस को मैनेज कर देंगे, यहाँ से रिमूव स्पेस, और यहाँ से कर दिए 1। अब इसको हम सेट कर लेंगे, कहाँ पे चाहिए जी, तो यहाँ पे चाहिए, और यहाँ से आकर के टेक्स्ट बॉक्स से सेट फिल को नो फिल, आउटलाइन को नो आउटलाइन, बाहर के लिए। अब इसमें भी वैसे ही लिख सकते हैं 1, 2, 3, यहाँ पे 8, 9, 10, और यहाँ पे हम डाल देंगे ए और यहाँ पे बी, बन जाएगा। बैनर एक भी आसानी से हम बना सकते हैं, ठीक है। चलिए